मैट चैनल को कुकिंग शबीना, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ज़बरदस्ती टिप्स जो आपके काम आएंगी। अक्सर घर में चावल बच जाया करते हैं और वो खाए नहीं जाते, तो आप इस तरह से अगर चावलों का इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपके चावल वेस्ट नहीं जाएंगे और बहुत अच्छे से ये बन के रेडी हो जाएंगे और बच्चे भी क्या बड़े भी सब इसको बड़े मज़े से खाएंगे। वेस्ट चावलों को आप इस तरह से दोबारा से बना सकते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त होंगे। रिफाइंड कटी हुई प्याज डालेंगे, चॉप की हुई, उनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा टमाटर हरी मिर्च डाल दूंगी। ये देखिए बहुत अच्छे से, ये मैगी से भी ज़्यादा बच्चे इसे मैगी की तरह समझ के खाएंगे और बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। थोड़ी सी मटर ऐड कर देंगे, ये देखिए हमने मटर ऐड कर दी है और इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ना लेंगे। मसाला मैजिक डाल देंगे एक पैकेट, इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से सॉफ्ट हो जाने देंगे। टमाटो केचप ऐड कर देंगे, टमाटो केचप ऐड कर दी। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। इन सबको मिक्स करके 2 मिनट तक कुक करेंगे। थोड़ा सा पनीर ऐड कर देंगे, पनीर आपके पास रखा हो तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेज़ में जो हमारे बचे हुए चावल हैं ये ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेंगे और अच्छे से कुक करेंगे, क्योंकि पके हुए चावल हैं और हमने प्याज वगैरह अपनी भून ली है। और हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे खाएंगे, सर्व करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त सा लेफ्ट ओवर राइस रेसिपी है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। हम स्टोर करके रखते हैं और अगर फ्रीज नहीं है या फ्रीज ख़राब हो गया है तो हमारा धनिया ख़राब हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, कांच के गिलास में या कप में हम पानी डाल लेंगे और अपने धनिए को उस समय रख देंगे। ये आपका धनिया इस तरह से फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी जड़ों को पानी में डाल देंगे हम, ये गलेगा भी नहीं और फ्रेश रहेगा, बिल्कुल इसके पत्ते मुरझाएंगे भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये टिप्स है हमारी मिर्च के पानी को लेके, ये बहुत फ़ायदेमंद पानी होता है, आप इसको भिगो डाल के पानी में और पी सकते हैं। ये बहुत कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बदहजमी को कम करता है और बहुत ही फ़ायदे वाला पानी है। आप इस तरह से धो के वॉश करके, आपको ज़्यादा मिर्च नहीं चाहिए तो कट ना करें, साबुत मिर्च इसमें ऐड कर दें और पानी को ढक के रख दें और इसको 2-4 घंटे बाद इसको पानी को आप पी लें। ये बहुत फ़ायदेमंद पानी होगा आपके लिए। आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।